मॉड्यूल वन और टू इन डायरेक्ट असमेंट सो वेन वी डू द इन डायरेक्ट असमेंट फॉर सेप्रेशन एन्जाइटी डिसऑर्डर वी ऑल नो दैट वी नीड टू बी कंडक्ट द इंटरव्यू विद द पेरेंट्स सो बेसिकली जब हम इंटरव्यू पेरेंट्स से करते हैं तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमें पता चल सके कि कौन से प्रासीपिटेटिंग इवेंट्स हैं या कौन से ऐसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे को ये इन्जाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है Uh, बहुत से फैक्टर्स uh, ऐसे होते हैं जो कि हिस्ट्री के अंदर मौजूद होते हैं uh, जो कि हमें हेल्प करते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करने में और फिर उसकी मैनेजमेंट करने के अंदर तो दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट तो इंटरव्यू जब हम लेंगे तो वी ऑल नो कि हमें डिटेल हिस्ट्री जो है वो बच्चे की लेनी होती है जिसमें हमें स्टार्ट uh, करना होता है कि जो मदर की प्रेगनेंसी uh, थी वो किस तरह की थी और उसके बाद जो डिलीवरी का प्रोसेस था वो कैसा था और फिर उसके बाद जो बच्चे की आफ्टर हेल्थ थी वो कैसी थी दैट इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट और उसके बाद बच्चे का जो डेवलपमेंटल एजेस हैं वो कैसी थी और इस्पेशली यहाँ पर जैसे ही हम पूछना शुरू करते हैं कि स्कूल जाते हुए उसका रिस्पॉन्स क्या था तो उससे पहले एक चीज़ आती है कि जब बच्चा स्कूल नहीं जाता था और मदर वैसे कहीं जाती थी तो उस वक्त बच्चे का रिस्पॉन्स Uh, कैसा होता था टू वर्ड्स दाट सेपरेशन या बच्चा सोता कहाँ था या बच्चा uh, बच्चे को कभी पेरेंट्स ने दूसरे कमरे में सुलाने की कोशिश की या नहीं की क्या उसका ब्रॉटअप का स्टाइल ही ऐसा है या उसके मदर के साथ और फादर के साथ अटैचमेंट पैटर्न कैसा था उसकी मदर कितनी अवेलेबल होती हैं बच्चे को या उसका फ़ादर कितना अवेलेबल है तो दिस सॉर्ट ऑफ जो आ, है चीज़ें वो हमने इंटरव्यू के अंदर पूछनी होती हैं ये हमें हेल्प करेंगी फॉर डिवाइजिंग द मैनेजमेंट प्लान इसके साथ साथ आपने ये भी देखना होता है कि बच्चे का जो रिलेशनशिप है सबलिंग्स के साथ वो कैसा है उसके सामने रोल मॉडल्स कैसे हैं क्या उसके घर के अंदर उसके फैमिली के अंदर कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो कि जैसे सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर हो यानी हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ़ादर ही कभी घर को लीव करके ना जाता हो अलोन या मदर घर को लोन लीव करके ना जाती हूँ या ग्रैंड पेरेंट्स घर में हैं या पटर्नल अंकल और आंट्स घर में हैं जिनका इस किस्म का बिहेवियर है कोई मॉडलिंग का फैक्टर तो नहीं है जो कि मैनिफेस्ट करता है एन्जाइटी सेपरेशन एन्जाइटी फ्रॉम द लव्ड वंस तो इस किस्म के जो बिहेवियर्स हैं वी नीड टू बी फाइंड आउट दैट थिंग टू इसके साथ साथ जो पेरेंट्स का आपस का रिलेशनशिप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू बी आस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू देन वी विल गो टूवर्ड्स द बेस लाइन चार्ट बेस लाइन चार्ट हमें पता है कि हम डिफरेंट सेटिंग्स में दे सकते हैं जैसे घर में भी दे सकते हैं स्कूल में भी दे सकते हैं बेसलाइन चार्ट में हमने सबसे पहले एंटीसीडेंट इवेंट देखना होता है थॉट पैटर्न देखना होता है बिहेवियर देखना होता है इमोशन और इंटेंसिटी देख, देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर देख सकते हैं तो इसमें फॉर एग्जाम्पल आयमाज की जो मदर थी वो अपनी फ्रेंड की तरफ जाना चाह रही थी और आइमा का बिहेवियर क्या स्टार्ट हो गया क्राइंग का और उसकी जो इमोशन था वो क्या था एंशियस था 90 परसेंट उस इमोशन की इंटेंसिटी थी वन टू हंड्रेड स्केल के ऊपर जहाँ वन जो है वो मिनिमम है और हंड्रेड जो है वो मैक्सिमम है और उस दौरान जब देखा गया आयमा से पूछा गया कि वट शी वॉज़ एक्चुअली थिंकिंग तो शी सेट दैट शी वॉज थिंकिंग उसकी मदर कभी वापस आएंगी ही नहीं तो दिस थॉट पैटर्न वॉज अंडरलाइन जिसकी वजह से उसका बिहेवियर जो था वो क्राइम का शुरू हो गया और इमोशन जो था वो एंक्शियस हो गया इसके बाद आयमा जो थी ऑन द अवेरी अदर डे शी वेंट अलॉन्ग विद हर आंट टू द मॉल और उससे क्या हुआ कि जब वो मॉल गई तो शी वॉज लाइक रिपीटडली थिंकिंग जी मैं जो है मॉल के अंदर घूम जाऊँगी और उसका बिहेवियर क्या था कि उसने अपनी आंट का हाथ जो था वो बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था और वो बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि वी शुड गो बैक होम इमिजिएटली और उसकी वजह से जो उसके इमोशंस उसने रिपोर्ट किए दैट इज़ एंशियस और एज़ वेल एज फियरफुल सो शी वाज वेरी फ्राइटेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड और उसकी जो इन्जाइटी रिपोर्ट की गई वो नाइन्टी पे है तो दैट्स मीन कि ये जो बच्ची है आयमा इसके जो इमोशन हैं, जिसमें है जिसमें वो एन्ज़ाइटी फील कर रही है जिसमें वो फियर फील कर रही है उसकी जो इमोशंस को फ़ील करने की इंटेंसिटी है दैट इज़ आल्सो वेरी हाई और जो फ्रीक्वेंसी है इन सब इवेंट्स की वो एक वीक के अंदर वन वन टाइम हुई है लेकिन अगर आप इस uh, को मॉनिटर करते रहेंगे और ओवर द मंथ जो है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज होती चली जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स के साथ साथ तो इस किस्म का जो चार्ट है वो आप घर के लिए भी दे सकते हैं आप इस किस्म का चार्ट उसके स्कूल के लिए भी दे सकते हैं और आप उनके टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दे शुड कीप दैकड ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर कि जिस वक्त वो क्लास के अंदर आया तो वो किस तरह बैठा कितनी देर वो ख़ामोश रहा और जब उसने रोना शुरू किया तो उस वक्त बेसिकली क्या हुआ था अनटेजिडेंट इवेंट क्या थी क्या उसने बाहर देखा और उसकी मदर नहीं थी या उसको किसी ने इंटीमेट किया कि उसकी मदर वहाँ से चली गई हैं सो वी विल एबल टू अंडरस्टैंड के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर एनजाइटी को ट्रिगर करते हैं तो जब आपके पास इस तरह की बेसलाइन चार्ट आ जाएगी दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस एंड फॉर डिवाइजिंग द मैनेजमेंट प्लान